शुक्रवार को लाडवा अनाज मंडी आरती एसोसिएशन के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया। इसके बाद अनाज मंडी के सभी गेट बंद कर आरतियों ने इंद्री चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड जाम कर दिया। सैकड़ों आरती, मुनीम और किसान धरने पर बैठ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक बार डीसी साहब से बात कर रहे, दूषण जी से बात कर रहे, उसके तुरंत बाद अगर हल नहीं हुआ तो भाई थारी गला मैं भी धरना दूंगी, जनता नाच रहे, क्योंकि मैं जितनी लड़ाई लड़ सकती हूँ मैं उस हद तक जाऊंगी, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द मैं जानती हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि मैं एक बार दुष्यंत जी से बात कर लूँ, एक बार डीसी साहब से बात कर लूँ, यहाँ से उठान क्यों नहीं हो रहा है, एक बार पता तो लगे क्यों नहीं उठा रहे हैं, जब हर जगह बिक्री हो रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। पिछले 7 दिन से हमारे किसान की परमल जी बिल्कुल नहीं चलती जा रही है, हमारे किसान की परमल जी बिल्कुल नहीं चलती जा रही है, हमारा मजदूर बेचारा खाली बैठे, मजदूर हमारे सारे मजदूर भाई खाली बैठे हैं, उनके रोज रोटी के लाले पड़े हैं, उनको हमारा मेन हड़ताल का कारण, हम 7 तक यहीं बैठे, रात को भी यहीं बैठेंगे, हम सारा यहीं बैठेंगे। दाना धान खींचा जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 4 दिन में सरकार ने कोई भी बड़ा फैसला आगे किताबी तौर पे नहीं लिया, जबानी तौर पे ले लिया। मेरी सब सरकार से यहाँ आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो इस परेशानी को एकदम से दूर करे। आज ये मसला सिर्फ परमल जीरी का नहीं रह गया, ब्रीक माल ये परमल जीरी तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में लगती है ज्यादातौर पर, परंतु सारे हरियाणा के अंदर बासमती की अलग अलग वैरायटियां लगती हैं। बासमती 11, 21, 17, 18 ये लग रही हैं, और पिछले 3 दिन में या 4 दिन में बाजार इतने धड़ाम से गिर गए हैं कि किसानों को आधी कीमत भी इनकी वसूल नहीं हो रही। अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई डिसीजन नहीं लिया, ये हरियाणा का टोटल व्यापारी किसान तराई तराई मिच गई है, की बार पहली बार आपको देखने में मिलेगा। अगर जल्द से जल्द सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो हरियाणा का किसान भी जो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएगा, के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेवार होगी। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।